Good morning, students. This is Dimple Shrimali. I welcome you all in the class. Today we are having fourth topic of parts of speech. As you know that we already have done three topics: first noun, pronoun, adjective, and now the time of adverbs. These all topics are very necessary. Adverb. Adverb जो topic है ये हमारे सारे क्लासेस अगर छोटे स्कूल्स लेवल पे बात करें हम तो वहां पर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है चाहे वो रिट हो फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो और दूसरे अदर कंपटीशन एग्जाम्स वहां पर भी ये सारी चीजें आती है। तो एडवर्ब जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर करके लोगों को एडवर्ब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता होता, नाउन और प्रोनाउन के बारे में और भी पता होता है लेकिन एडवर्ब जो पढ़ते हैं उन्हीं को पता है और थोड़े समय बाद जब यूज नहीं होता है तो वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे एडवर्ब। ओके, अब एडवर्ब होता क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एडवर्ब। अगर हम बात करें एडवर्ब तो एडवर्ब है क्या? ओके, देखिए यहां पर एन एडवर्ब क्वालिफाइज, एडवर्ब क्वालिफाइज, एडवर्ब क्वालिफाइज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वालिफाइज का मतलब ही आप क्लियर कर लीजिए। क्वालिफाइज का मतलब है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ये वर्ब के बारे में बताता है। एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में बताता है। एन अनादर एडवर्ब, और अगर कोई दूसरी एडवर्ब है, कोई दूसरी है तो उसके बारे में भी ये बताता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स, अब हम डेफिनेशन से एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि भाई ये जो हमारी डेफिनेशन है, ये जो हमारी डेफिनेशन हुई है क्या ये सही है, क्या इसमें वास्तव में ऐसा हो रहा है? ठीक है, द बॉय रन स्लोली। अब मैंने आपसे बताया कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करती है। किसको डिस्क्राइब करती है? वर्ब को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो स्लोली वर्ड है क्या ये बॉय के लिए आया है? नहीं, आपको पढ़ने से ही नहीं लग रहा है इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? द बॉय रन स्लोली, द बॉय यहाँ पर रन्स होना चाहिए एस, द बॉय रन्स स्लोली। तो स्लोली क्या करता है? स्लोली वो रन करता है। ओके, तो रन हमारी क्या है? वर्ब है, और ये वर्ब के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो द बॉय रन्स स्लोली। तो इस तरह से पता चला कि जो वर्ब है वो क्या करता, सॉरी एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसको क्वालिफाई करता है। एडवर्ब यूज विद एडजेक्टिव, जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के साथ में यूज की जाती है। क्ले डिड अ वेरी डिफिकल्ट सम, क्ले डिड अ वेरी डिफिकल्ट सम। ओके, यहां पर भी देखिए अ वेरी डिफिकल्ट सम, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? वेरी एडवर्ब है, डिड हमारी क्या है? वर्ब है। ओके, तो वर्ब के साथ में क्या हुआ है? एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को ही वो क्या करेगा? एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को बताएगा। देखिए भाई, अगर आप इसको वापस समझिए, कोई सम है, कोई क्वेश्चन है, कोई मैथ्स का सम है, वो क्या है? डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट होना तो एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो एडवर्ब आया है ये वेरी एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे है, किस तरह का एडवर्ब है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये क्या है? वेरी हमारा एडवर्ब है। प्ले डिड अ वेरी डिफिकल्ट सम। तो इस तरह से हमारी जो डेफिनेशन है वो प्रूव हो जाती है कि जो एडवर्ब है वो क्या क्वालिफाई करता है? वर्ब को। एन एडजेक्टिव एंड अनादर एडवर्ब, इसमें दो एडवर्ब एक साथ भी आ सकती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, अब मैंने आपसे बताया कि अभी जो एडवर्ब आई थी वेरी, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये वर्ब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि भाई काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो हैं वो कौन कौन से हैं, एडवर्ब कितने टाइप के होती हैं। तो एडवर्ब, देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ एडवर्ब। हाउ मेनी टाइप्स? सेवन। ओके,
देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ एडवर्ब. Seven types of adverb. Okay. Adverb of manner. Manner. Manner क्या होता है? Manner. अगर कोई question पूछा जाए कि how? क्या question पूछा जाए? How? कोई काम कैसे हुआ? कोई काम कैसे हुआ? तो वो होता है adverb of manner. मतलब कोई काम कैसे हुआ? उसका जो answer हमें मिला है, वो हुआ है adverb of manner. Okay. Adverb of place. जब हमें किसी प्लेस के बारे में पता चलता है तो वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ टाइम, जहां हमें टाइम के बारे में पता चलता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. जहां एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, कोई काम जो है वो कितनी बार होता है. हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, ओके, वो होता है हमारा, यहां मैं लिख देती हूं, हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, कोई काम कितनी बार होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, अब ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी किसी चीज की निश्चितता के बारे में है. एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट. हाउ मच, कितना, और टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, ठीक है. तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हाउ मच सॉरी हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट. तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या शो करता है? हाउ मच, कितना, और टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक. और एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, अब एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव हमेशा आपको पता है क्वेश्चन पूछेंगे, WH वर्ड्स वाले सारे वर्ड्स इसमें आएंगे और इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है. तो अब आपको ये क्लियर हो गए कि हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने हैं. देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, adverb of certainty, adverb of degree, और adverb of interrogative. चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा adverb था, adverb of manner. Okay? Adverb of manner. अभी मैंने आपको बताया कि adverb of manner, जब आपसे पूछे कि how, how means कैसे, कोई काम कैसे हुआ, कोई काम कैसे हुआ, तो वो हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर. गेटिंग, ओके. अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा किसी ने हाउ, तो जहां पर भी पूछे हाउ कैसे, और कैसे का जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, ही ईट्स जेंटली, वह बहुत शरीफ हो जैसे खाता, भुक्कड़ हो जैसे नहीं खाता है. ओके, तो ही ईट्स जेंटली, तो यहाँ पर क्या हो गया है हमारा, ये हो गया है एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना. हाउ ही ईट्स जेंटली, ठीक है. तो हमारा आंसर कैसे आया, हाउ का आंसर आया हमारे पास में, ही दे प्लेड वेल, दे प्लेड वेल. हाउ डू दे प्ले, तो दे, हाउ डिड दे प्ले, तो क्या आंसर आ गया, दे प्लेड वेल. ओके, ही एट माई टिफिन ग्रीडीली, ही एट माई टिफिन ग्रीडीली, ठीक है. तो यहाँ पर हाउ डिड ही ईट माई टिफिन, तो आंसर क्या आया, ग्रीडीली. तो ग्रीडीली क्या हो गया हमारा आंसर, जो हो गया वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. द लायन इज लुकिंग एंग्रीली इन द ज़ू, द लायन इज लुकिंग, है ना. तो हाउ द, हाउ इज द लायन लुकिंग, हाउ इज द लायन लुकिंग, तो द लायन इज लुकिंग एंग्रीली, तो एंग्रीली क्या हो गया है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया है. ओके, नेक्स्ट वन, She furiously ran away from the crowd. She furiously ran away from the crowd. How did he run away from the crowd? Answer is furiously. So furiously क्या हो गया हमारा, adverb of manner.
देखिए मैंने हर टाइम एक क्वेश्चन सुनाया है आपको कि ये काम कैसे हुआ, तो फिर आंसर क्या आया? जो आंसर आया वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। He drives the vehicles amazingly. Okay, तो कैसे वो ड्राइव करता है व्हीकल? तो amazingly. तो ये हमारा क्या हो गया है? Adverb of manner. We run simultaneously away from the farmland. Okay, तो यहाँ पर simultaneously. Okay, तो we run simultaneously away from the farmland. यहाँ पर simultaneously हमारा adverb हो गया. और you are remarkably organized and you never fail. Okay, तो remarkably क्या हो गया है हमारा? जो है adverb of manner हो गया है. अब यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि adverb को पहचानने का एक तरीका ये भी, every time it doesn't happen, okay? It does not happen every time, but most of the time it will occur with you and you will find कि ly का भी किसी वर्ड में लग जाता है, कि ly अगर किसी वर्ड में लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? Adverb of manner. Okay? तो आपको आ गया समझ में? Adverb of manner, it's very easy. ठीक है? ly लगता है, वो भी वर्ड क्या हो जाता है? जो है adverb वाला adverb बन जाता है. और जहां पर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि how, कैसे हुआ ये काम, तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा adverb of manner. ओके, नेक्स्ट. अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस पर. इस पे आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, अब ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये क्या चीज है? कोई प्लेस तो प्लेस है, जगह है. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब. मॉडिफाई का मतलब भी डिस्क्राइब है, क्वालिफाई का मतलब भी डिस्क्राइब है. तो का क्या मतलब होता है? Modify to tell where an act or event is in other words. थोड़ा सा चला गया है अंदर. Okay. अभी दिख रहा होगा, I hope so. Adverb of a place are used. Places, a place are used to modify to tell where an act or event is happening. मतलब कोई काम जो है, आपका जो act है, आपका जो action है, आपका कोई भी प्रोग्राम है, वो कहाँ हो रहा है? Happening in the sentence. In other words, they tell us where things happen. In other words, where things happen. चीजें हो कहाँ? Things happen मतलब कोई भी चीज हो रही है, वो कहाँ हो रही है? Adverb of place are usually placed immediately after the main verb. ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि generally क्या होता है कि adverb of place की बात आती है तो वो मेन वर्ब के ठीक बाद में लिखे जाते हैं और सेंटेंस दे आर डिस्क्राइबिंग. ठीक है, तो अगर हम मोटे मोटे रूप में और बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलें तो ये है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस किसी चीज काम के होने की जगह हमें शो करता है. ठीक है, ये डेफिनेशन बिल्कुल माइंड में रखें कि भाई वो हमें प्लेस बता रहा है और किसी काम के होने की जगह बता रहा है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो मेन वर्ब के ठीक बाद में रखा जाता है. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल, माया लुक्ड अराउंड बट शी कुड नॉट नोटिस हर फोन वाज राइट इन फ्रंट ऑफ हर. ओके, माया ने कहां देखा? अपने चारों तरफ देखा. लुक अराउंड, इस तरह से चारों तरफ उसने देखा. तो माया लुक्ड अराउंड. अराउंड क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. ठीक है, अब I literally searched everywhere that mankind knows. I literally searched. अब यहाँ पर क्या है? Everywhere. Everywhere मतलब मैंने हर जगह देखा. अब हर जगह देखा, कोई perfect जगह तो दी नहीं है, लेकिन everywhere भी तो कोई जगह होती है ना, मतलब सब जगह जिसमें सारी जगह आ जाती है. We are not particularize the place, है ना? तो हम यहाँ पे particularize नहीं कर रहे किसी place को. हम क्या कर रहे हैं? एवरीवेयर मतलब सब जगह, तो सब जगह हो गया. आई एम गोइंग बैक टू वर्क. आई एम गोइंग बैक टू वर्क. मैं काम पर वापस जा रहा हूँ. अब इट इज अंडरस्टूड. ठीक है, काम पर जगह तो प्लेस है ना, बैक. तो ये क्या, देखिए मेन वर्ब के ठीक बाद में क्या रखा? बैक. तो ये क्या हुआ है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. गेटिंग? ओके, कम इन, अंदर आइए. अब देखिए ये जो इन है ये भी क्या हुआ है हमारा? Adverb of place. Okay,
What is she doing up there by herself? What is she doing up there by herself? Up there. What is she doing up there by herself? वो ऊपर वहां क्या कर रही है? ऊपर वहां क्या कर रही है? तो up there क्या हो गया है हमारा? Adverb of place. Freddy, come over here quickly and see what I did. What I did? Okay. Over here मतलब क्या होता है? यहाँ पर. Over here का मतलब क्या होता है? यहाँ पर. तो Freddy, come over here quickly and see what I did. तो यहाँ पर भी एक place है. तो ये क्या हो गया हमारा? वो प्लेस. यू आर हाइडिंग डाउन देयर अंडर द टेबल लाइक अ स्पाइनलेस कवर्ड. ओके, अब यहाँ पर डाउन देयर, डाउन मतलब नीचे, नीचे वहां पर, ठीक है, तो वो भी जगह ही हुई है. तो यू आर हाइडिंग, और ये देखिए हर बार मेन वर्ब के बाद में क्या आया है? मेन वर्ब के बाद में आया है एडवर्ब ऑफ प्लेस. Here comes the sun. ये लो, here comes एक पूरी फ्रेज है. इसका मतलब होता है ये लीजिए, ये लो, जैसे कहते हैं ना, ओ ये लो ये आ गए, ये लो यह आ गया, ठीक है, ये लो. तो here comes, ये लो ये आ गया है ना. तो here, here भी एक जगह है. Here comes the sun, देखो सूरज उग गया है. तो here comes, तो here क्या है? Here जगह है हमारे लिए यहाँ पर. Yes, I have found it. हाँ, मैंने इसे पा लिया. There it is. ये वहां पर है. तो देयर क्या होगा? हियर, देयर, वेयर, है ना, ये सारे हियर है, देयर है, ये क्या कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस शो कर रहे हैं. हियर यू आर, अभी मैंने बोला था ना ये लो, पर यहाँ पर भी हियर क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ओके, तो आई होप आप एडवर्ब ऑफ प्लेस आपका क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की. देयर इज नो नीड ऑफ डेफिनेशन, व्हाई, और है ना, जरूरत ही क्या है? जब हमें इसके टाइटल में ही पता चल रहा है तो हम इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमें टाइम के बारे में बताता है. किसके बारे में बताएगा? टाइम के बारे में. आई ऑलवेज इंजॉय माई इवनिंग मील अलोन. ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं हमेशा अपना खाना जो है, शाम का खाना, अकेले बैठ के एंजॉय करता हूँ, अकेले खाता हूँ, अकेले बैठ के खाता हूँ और एंजॉय करता हूँ. तो आई ऑलवेज एंजॉय माय इवनिंग मील अलोन. नेक्स्ट, ही रोट टू हर ऑलमोस्ट डेली. वो हमेशा उसे लेटर लिखता है, हमेशा कुछ लिखता है, तो वो क्या करता है? डेली लिखता है. ठीक है, इसका टाइम है. दे वर इवेंचुअली रेस्क्यूड बाय हेलीकॉप्टर. इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है? इवेंचुअली का मतलब होता है लास्टली, या फिर आप कह सकते हैं फाइनली, फाइनली भी कह सकते हैं, अल्टीमेटली भी बोल सकते हैं. तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होवे, एक ही मीनिंग है, अल्टीमेटली. ठीक है, तो दे वर इवेंचुअली रेस्क्यूड बाय हेलीकॉप्टर. तो वो क्या है? हेलीकॉप्टर से जो है वो They were eventually rescued by a helicopter. They finally went abroad. They finally went aboard the plane. Finally, वो क्या हो गए? Plane में चढ़ गए. तो finally आ गया हमारा. ठीक है, फिर हमारे पास में जो है वो क्या आएगा? वो आएगा how frequently do the buses come? Frequently. Frequently, कितनी बार, जो कि मतलब बार बार इस चीज का रिपीटेशन हो रहा है. How frequently do the buses come? कि बस कितनी बार आती है. ठीक है, I generally remembered cute girls' names. ठीक है, मुझे cute girls के नाम से याद रहते हैं. Generally मतलब सामान्यतया. ओके, adverb of time की बात हो रही है. Trains leave at hourly intervals. एक घंटे के गैप पे ट्रेन क्या करती है? निकलती है या छूटती है बस स्टेशन से. आई मेट हर अगेन 3 years later. मैं उससे कितने साल बाद मिला?
थ्री इयर्स लेटर, तो लेटर क्या हो गया है हमारा, एडवर्ब हो गया है. आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर, मैंने आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया. द प्रोग्राम इज ब्रॉडकास्ट नाइटली, और रात में क्या होता है, प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है. ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम. आई डोंट नॉर्मली ड्रिंक एट लंच, मैं जो नॉर्मली है वो ड्रिंक जो है वो लंच में नहीं करता हूँ. सी बर्ड्स ऑफन कम इनलैंड टू फाइंड फूड, ऑफन ओके. शी इज ओल्ड एंड रेयरली गोज आउट, इस तरह से रेगुलरली, सेल्डम, स्टील, सून, ये सारे जो है वो क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम. देखिए यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, द फोर्थ वन. जो हमारा क्या है फोर्थ वन वाला जो एडवर्ब है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने इसमें क्या दिया है, 0%, नेवर मतलब कभी नहीं. हाँ एक बार और बताती हूँ मैं आपको कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है. हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स. ओके, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया कि भाई कोई काम कितनी बार होता है, कोई काम कितनी बार होता है, दैट इज कॉल्ड हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स. ओके, अब इस चीज को समझते हैं. नेवर मतलब कभी नहीं, और ऑलवेज मतलब हमेशा. ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा. ओके, इन दोनों के बीच में सारे एक्शंस हैं, एक तो कभी नहीं होता है और एक हमेशा होता है, तो हम क्या है इन दोनों चीज के बीच में, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में हमारी सारी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभी. ठीक है, फिर क्या हुआ, सेल्डम का मतलब भी यही होता है लगभग. अकेशनली, अकेशनली की मतलब मौके मौके पर. ठीक है, और समटाइम्स मतलब कभी कभी, ऑफन मतलब अक्सर, जनरली मतलब सामान्यतया, यूजुअली मतलब यूजुअली हमेशा. ठीक है, तो ये सारे जो नाम है इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो नेवर और ऑलवेज के बीच की है. ठीक है, कभी भी काम हो सकते हैं. चलिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं और ज्यादा इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी हमारी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, Take 3 pills daily after meal. खाना खाने के बाद में 3 गोलियां आपको लेनी है. अब यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, मैंने बताया ना फ्रीक्वेंसी. अब ये टाइम में भी आ गया था डेली, और ये फ्रीक्वेंसी में भी आ गया है. वहां ये टाइम शो कर रहा है कि आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ. ठीक है, और अब यहाँ क्या बता रहा है, डेली है ना, यू शुड टेक बाथ डेली, तुम्हें हमेशा स्नान करना चाहिए. तो वहां तो क्या होना चाहिए, टाइम बता रहा है डेली. यहाँ क्या डेली बता रहा है, यहाँ ये बता रहा है काम की फ्रीक्वेंसी को, हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डेली. देयर डेली वर्क इज टू रिफाइन क्रूड ऑयल, उनका जो डेली वर्क है वो क्या है, वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने का. रेयरली हैव आई सीन सच अ सीन, मैंने आई हैव सीन सच अ सीन. रेयरली, रेयरली मतलब बहुत दुर्लभतम, जो कभी कभार होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स आर यूजुअली वर्टिकल, फॉर्मली फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स आर यूजुअली वर्टिकल. ओके, यूजुअली हिज फादर गिव्स हिम अ मंथली अलाउंस ऑफ $200. अब ये मंथली जो मान लीजिए, ये बहुत इजी पड़ेगा आपको समझने में. उसके पापा उसको अनाउंस करते महीने में एक बार, मंथली हमें एक बार सैलरी मिलती है ना, मंथली हमारा टेस्ट होता है. तो क्या हुआ, कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, वन टाइम. ओके, इस तरह से
शी अपीयर्स रेगुलरली ऑन द स्मॉल स्क्रीन. अब रेगुलरली मतलब वो हमेशा रेगुलरली ये काम कर रही है, स्मॉल स्क्रीन पे आ रही है. आई हैव टू स्टॉप दीज वीकली विजिट, मुझे ये जो वीकली विजिट करनी पड़ती है मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया है, वीकली यहाँ पर क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप वो काम सप्ताह में एक बार कर रहे हो. ठीक है, ऑक्साइड इज यूजुअली सीन इन आवर डेली लाइफ. ऑक्साइड जो है वो हमारी डेली लाइफ में जो है हमको दिखता है, यूजुअली और डेली. तो ये दोनों क्या हो गया है, यूजुअली मतलब सामान्य रूप से और सामान्यतः, और डेली मतलब हमेशा. ठीक है, तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. अगर आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज जो बहुत की वर्ड है इसका, आप उसको याद रखिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स. हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स. ठीक है, अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा याद रख लेते हैं तो यू विल नेवर डू अ मिस्टेक, आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे. ओके, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी. उसके अलावा आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि भाई ये जो डेली वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ टाइम में भी आ गया है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी आ गया है. तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आप कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यू विल बी एबल टू को रिलेट कि भाई यहाँ मुझे क्या पूछा है, मुझे एक्शन कितनी बार हो रहा है ये पूछा है या एक्शन का टाइम पूछा है. ओके, यस. नाउ एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी. ठीक है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी क्या है. An adverb of certainty is a word that is used to modify an adjective or another adverb to indicate the level of certainty the speaker has about the statement. Baba sunte isko. An adverb of certainty is a word. ये एक ऐसा word है जो use किया जाता है describe करने के लिए. किसको? Adjective को describe करने के लिए और adverb को describe करने के लिए. To indicate the level of certainty, कि भाई आपकी आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है, कितनी निश्चित है. The speaker has about the statement, कि भाई speaker ने जो बोला है उसकी बात कितनी सही है, किस हद तक सही है और गलत है या सही है, इस तरह का डिफरेंस करने के लिए. ठीक है, अब जैसे मैंने बोला यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. अब ये एब्सोल्युटली क्या हो गया, मतलब मैंने स्पीकर की बात को क्या कर दिया है, सर्टन कर दिया है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. ठीक है, रियली वास्तव में. तो ये क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी. अब बात करते हैं एब्सोल्युटली, अनइक्वोकली, इंडीड, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, प्रोबेबली, ऑब्वियसली, परहैप्स, डेफिनेटली नॉट, प्रोबेबली नॉट, ट्रूली, सर्टनली, मे बी, श्योरली. तो इस तरह के जो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है. ठीक है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी. अब देखो एग्जांपल देखते हैं हम. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, सर्टेनिटी. आई प्रोबेबली वॉन्ट मेक इट टू द पार्टी ऑन टाइम. यहाँ पर हम नहीं आएंगे, अब दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं. चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ही आपको दिया था, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, definitely we will do it, है ना, या फिर we will do it definitely. तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, adverb of certainty हो जाएगा. probably he will not come, शायद वो नहीं आएगा. ठीक है, I probably won't make to the party on time, ये नहीं चलते हम. ठीक है, परहैप्स ही माइट कम, है ना, परहैप्स
perhaps ही नहीं, इसको नहीं लेते, वन मिनट, perhaps ही कम, शायद वो आए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी हम बता देते हैं कि शायद वह आए और शायद नहीं भी, तो ये भी क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है ना। हमने फिक्स कह दिया कि शायद ही वो आए, तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि सामने वाले को इस चीज की उम्मीद नहीं रहेगी कि अब वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है ये वाला, ही वॉज अनडाउटेडली द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द टीम, अनडाउटेडली ही वॉज अनडाउटेडली द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द टीम, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ही वॉज अनडाउटेडली, अनडाउटेडली मतलब निसंदेह, तो निसंदेह वह अपनी टीम का एक अच्छा प्लेयर है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जहां एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी जो है वो किस तरह से यूज होती है, ठीक है। हाँ, अब है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री हेल्प्स अ स्पीकर एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब और एक्सटेंड टू विच समथिंग हैपेंस। हाउ मच, पहला तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या शो करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री शो करता है हाउ मच, कितना, ठीक है, और एट व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, किस हद। ये जो कीवर्ड्स अगर आप याद रख लेते हैं तो देयर इज नो नीड टू लर्न डेफिनेशन, सिर्फ आपको वही क्लिक होना चाहिए जो आपको चाहिए, तो इट विल सेव योर टाइम टू फाइंड आउट द एडवर्ब्स, ओके। द एडवर्ब ऑफ डिग्री हेल्प्स अ स्पीकर, क्या फाइंड आउट करने में स्पीकर की हेल्प करता है, हाउ मच, कितना, और टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही वॉज शिवरिंग एक्सट्रीमली, वो क्या कर रहा है, हद से ज्यादा, है ना, उसका एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा कांप रहा है, तो एक्सट्रीमली क्या हो गया, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, ठीक है। इट इज एक्सट्रीम हॉट, तो एक्सट्रीम हॉट मतलब ये जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया है, एक्सट्रीम हॉट मतलब अनलिमिटेड, फिर तो हम उसका एक्सट्रीम बोल दिया जब हमने, तो वो उसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई, ठीक है। अब देखिए, आई एम सो एक्साइटेड, अब ये जो सो वर्ड है ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, मैं बहुत एक्साइटेड तो हूँ लेकिन मैं क्या हूँ, कितना हूँ, बहुत ज्यादा, तो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट मूविंग टू पेरिस, ठीक है। कैट इज वेरी ब्यूटिफुल, अब ये जो वेरी है, वेरी का मतलब बहुत, अब ये क्या हो गया है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, इसको एक वर्ड से और भी बोला जाता है इंटेंसिटी, है ना, आप किसी चीज को कितनी इंटेंसिटी से करते हैं, है ना, तो वो वाला वर्ड भी ये इसके लिए बोला जाता है। कैट इज वेरी ब्यूटिफुल, कैट क्या है, बहुत ब्यूटिफुल है, ठीक है। अब इस तरह के और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इनफ, हार्डली, जस्ट, नियरली, क्वाइट, सिंपली, सो, टू का मतलब भी क्या होता है, वेरी से ही होता है, फुली, ही वॉज फुल्ली लोडेड विथ वेपन्स, ठीक है, तो हमने क्या किया, फुली हो गया, परफेक्टली, टेरिबली, ओके। तो ये जो क्या है, हमारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। अब यहाँ पर एक बात आपने नोट की है, जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको ये बताया था कि जहां पर ly लग जाता है वो एडवर्ब होते हैं, नो डाउट वो एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन Sometimes it is not necessary कि उसमें ly हो, जैसे enough में कोई ly नहीं है, almost में नहीं है, just में नहीं है, quiet में नहीं है, okay, और so, to इसमें नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि उनका function किस तरीके से हो रहा है, और उस हिसाब से आप बता पाएंगे कि ये adverb of degree है या फिर ये adverb of manner है, place है, frequency है, whatever is this। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और ज्यादा, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। देखिए एग्जाम्पल, एडवर्ब ऑफ डिग्री, बेयरली,
शी इज बेरली 14 ईयर्स ओल्ड. बेरली का मतलब वही है लगभग हार्डली से. ओके एनॉर्मसली द शो वॉज एनॉर्मसली पॉपुलर. द शो वॉज एनॉर्मसली पॉपुलर. तो ये क्या हो गया हमारा बेरली एनॉर्मसली. ठीक है. द रोप इज नॉट लॉन्ग इनफ. ठीक है. रोप क्या है हमारा रोप जो है वो हमारी इनफ लॉन्ग नहीं है पर्याप्त लंबी नहीं है. यू हैव हार्डली डन एनी वर्क. तुम मुश्किल से ही कोई काम करते हो. दैट वॉज एन इनक्रेडिबली वीक आंसर. है ना. इनक्रेडिबली का क्या मीनिंग होता है. इनक्रेडिबली का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है जिस पे आसानी से विश्वास नहीं होता है. दैट वॉज एन इनक्रेडिबल वीक आंसर. इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल. ओके. ही सीम्ड टू डिसलाइक मी इंटेंसली. है ना. इंटेंस. ही सीम्ड टू डिसलाइक मी इंटेंसली. अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि इंटेंस का मतलब होता है डीप. है ना. तो मतलब क्या है. अब यहाँ पे तो क्या है वो मुझे गहराई से डिसलाइक करता है. तो गहराई से डिसलाइक करने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा हद से ज्यादा हो रहा है ना उसका उसकी वो जो करने की जो डिसलाइक करने की जो हैबिट है या जो वो है उसकी इच्छा कि वो मुझे डिसलाइक करता है तो वो क्या है बहुत ज्यादा है. इसलिए क्या बोला है इंटेंसली. और इंटेंसली मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड पहले भी बताया था कि इंटेंसिटी का भी वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है. द बॉय नियरली फेल इनटू द रिवर. मतलब वो पानी में गिरने ही वाला था. आई कुड स्कैसली रिकॉग्नाइज हिम. आई एम नॉट टेरिबली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. आई एम नॉट टेरिबली इंटरेस्टेड मतलब मैं बहुत ज्यादा या बहुत भयानक रूप से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ. I am a little tired of this work. मैं इस काम से थोड़ा थक गया हूँ. तो ये सब क्या हुए हैं हमारे ये सब जो है हमारे adverb of degree हुए हैं. adverb of degree हुए. ठीक है. I hope आप समझ रहे हैं. You all are getting. If you are any kind of problem, then you can comment me and you can ask me. Okay. And the last one is what? इंटरोगेटिव एडवर्ब. ओके. अब इंटरोगेशन से ही हमें पता चल गया है कि हमारी क्या है. आस्क क्वेश्चन. आस्क क्वेश्चन. ओके. ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब. व्हाई वेयर व्हेन और हाउ. ओके डेफिनेशन. अ क्वेश्चन वर्ड दैट आस्क अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपको पता ही है WH वाले हैं. When, where, how, whom, who, ये सारे questions वाले words हैं. ठीक है. तो जो question वाले words आ जाए और फिर वो क्या पूछता है question पूछता है उस answer will be an adverb. और जिसका answer भी क्या आता है adverb होता है. अब adverb क्या होता है जो verb के बारे में हमें क्या करता है extra information देता है या verb को describe करता है उसको qualify करता है उसको modify करता है. Example. Why are you running? The answer is an adverb. इसका आंसर एडवर्ब होगा. वेयर हैव यू बीन. द आंसर इज एन एडवर्ब. तो वेयर हैव यू बीन तुम कहां से होके आ रहे हो. ठीक है. अब देखो तो इस तरह से हमारा क्या हो गया है ये जो है क्वेश्चन में है. ठीक है. तो व्हाई वेयर व्हेन हाउ. ठीक है. अब ये देखो रनिंग ये वर्ब को पूछ रहा है. वर्ब को पूछ रहा है कि why are you running? तुम दौड़ क्यों रहे हो. तो ये क्वेश्चन क्या है. आर यू तो कोई है ही नहीं. इसको वर्ब को ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना ये. why are you running? फिर ये पूछ रहा है कि आप कहां से होकर आए हो. तो where have you been? तो इस तरह से इसने क्वेश्चन ही पूछा है. और जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सब क्या कहलाते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. तो आपको फाइनली ये ध्यान रखने की जरूरत है इसका डिफाइन. कई बार मैंने आपको अलग अलग वीडियोस में जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं वहां पर सब बार एक बात बताई है मैंने आपको कि भाई ये जो वर्ड्स है ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स है कि इनके अलग अलग जगह ये अपना अलग अलग एक्शन परफॉर्म करते हैं. और जब ये अपना अलग अलग एक्शन परफॉर्म करते हैं तो यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट देम कि भाई ये कहाँ किसके साथ क्या एक्शन कर रहे हैं. क्या ये नाउन के साथ कर रहे हैं क्या ये वर्ब के साथ कर रहे हैं. है ना. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये क्या एक्शन कर रहे हैं. अब ये जो वाई है ये किसके साथ परफॉर्म कर रहा है. रनिंग के साथ कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह से जो वर्ब के साथ एक्शन परफॉर्म करेगा वो हो जाएगा एडवर्ब.
तो एडवर्ब हमेशा किसको डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब हमेशा वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, और वो क्या करता है, एडजेक्टिव को भी बताता है, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। तो आई होप अब आप सबके क्लियर हो गया होगा। तो हम तो आज हमने सीखा एडवर्ब। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लगी है आपको, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पूछेंगे, ठीक है।